Lord Vishnu, Vishnu Pada, Prabhupada Sri, Sri Sri Mata Bhakti, Sri Ram Siddha, Amigo Swami Maharaj, Sri Lord Vishnu, Vishnu Pada, Prabhupada Sri, Sri Mata Bhakti, Prajna, Amigo Swami Maharaj, Janitri Lord Vishnu, Vedanta, Sri Narayana, Amigo Swami Maharaj, Sri Ram Swami Maharaj, Sri Vedanta Swami Maharaj, Bhakti Siddhara, Sri Amigo Swami, Prabhupada, Mahabhagavata, Sri Lord Gauru, Sri Das Swami, Thank you.
Thank you.
Thank you.
Krishna, Krishna,
तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, स्वर्णकाल ऋषियों ने सुत गोस्वामी को छह प्रश्न किए। पहला प्रश्न था क्या था? आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? दूसरी प्रश्न क्या थी? कलयुग में ठाकुर जी को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? तीसरा प्रश्न है, हमें भगवान कृष्ण की कथा सुनाओ। लेकिन कृष्ण एक होने पर भी प्रभु का तीन धाम है, एक द्वारका धाम, एक मथुरा धाम और एक श्री वृंदावन धाम। जब भगवान कृष्ण द्वारका में होते हैं तो वो पूर्ण होते हैं, जब मथुरा में होते हैं पूर्णतर होते हैं, और जब वृंदावन में रहते हैं कति ये पूर्णतम होते हैं। इसलिए हमें ये तीनों कृष्ण की कथा में सुनाया करो। कहते उनकी जो चौथा प्रश्न थी, बोले केवल कृष्ण कथा नहीं, बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारतम् अद्भुतानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण युग युग में उन्होंने अवतीर्ण हुए। भगवान मत्स्य कुर्मा बराह नृसिंह बामन परशुराम भगवान हरि अनंत हरि कथा अनंत। इसलिए भगवान की अनंत जो अवतार है वो अनंत अवतारों की हमें कथा सुनाया करना। उनका जो पंचमा प्रश्न है, कृष्ण की अद्भुत जस की कथा सुना। कैसे कृष्ण जब छह दिन के थे उन्होंने पुतना को मार डाला, एक महीना में तृणावर्त सकटासुर, और कृष्ण जब सात साल के हुए गिरिराज कैसे उठा ली। हमें ये कृष्ण की अद्भुत जो जस और पराक्रम की कथा हमें सुना। और छठवां प्रश्न था, जब कृष्ण ये संसार छोड़ करके गए कलयुग में, धर्म उन्होंने कहाँ आश्रय लिया है? जब उन्होंने ये सब प्रश्न के उत्तर प्रश्न की, कल हम लोग सुन रहे थे आत्मा को शांति कैसे मिले। आत्मा को तभी शांति मिलेगी, कृष्ण गीता में कहते हैं, बोले तमेव शरणम गच्छ सर्व भावे न भारत तत् प्रसादात् परम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। बोले हे अर्जुन, जब जीव मेरे शरण में आए, जब पूर्ण रूप में मेरी भक्ति करे, तभी ये जीव को पूर्ण शांति पूर्ण आनंद मिलेगा। इसलिए जब तक जीव प्रभु की शरण में नहीं जाए, भले ही दुनिया में हम जो कुछ कर ले, लेकिन वो कभी जीव को शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए प्रभु की भक्ति से ही हमें शांति सुख मिलेगी। बोले हम तो भक्ति कर ही रहे हैं, पर ये शांति सुख क्यों नहीं मिल रही है? बोले जैसे करनी चाहिए हम वैसे नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने बोले भक्ति दो तरह से करनी चाहिए, एक तो अहेतुकी और एक है अप्रत्यता। अहेतुकी मतलब होता है भक्ति निष्काम होनी चाहिए, भक्ति को बीच में कोई कामना वासना नहीं हो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं,
बोले न धनम न जनम न सुंदरी कविता जगदी सका है मम जन्मनि जन्मनि स्वरे आए तो की भक्ति तो ही। बोले हे प्रभु हमें ये दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं, धन जन पुत्र परिवार नहीं चाहिए, आपके चरण में हमें अनुपायी निष्काम हमें भक्ति प्रदान करो। इसलिए भक्ति आहे तो की बोले अप्रत्यता, अप्रत्यता जैसे सूरज का किरण अगर डायरेक्ट पड़े, अगर बीच में मेघ आ जाए ना फिर तो सूरज का किरण डायरेक्ट नहीं गिरती है, कि उसी तरह जो भक्ति ये निरंतर जमे होनी चाहिए। निरंतर जमे मतलब जैसे एक शहद को ऐसे डालो, देखना उसमें बीच में एक धागा बन जाती है, एकदम बीच में धागा बन जाती है, कहते उसी तरह जो भक्ति वो निरंतर जमाई होनी चाहिए। मतलब बीच में कोई रुकावट नहीं हो भक्ति है, रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बोले की शयने की भोजने की वा जागरणी आहार निश्चित कृष्ण बोलह वदने। महाप्रभु कहते हैं सोते उठते बैठते खाते हर समय हाथों में काम करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम लो, बस बड़ा पाल। कलयुग में कोई ज्यादा परिश्रम नहीं है, हाथों में जो कुछ करो ठाकुर को सेवा मान कर करो और मुंह में ठाकुर जी की नाम लो, बस काम ही बनेगा। इसलिए बोले कलयुग में बोले सबसे सरल उपाय है ठाकुर जी की नाम कीर्तन। कलयुग में ठाकुर जी की नाम कीर्तन करनी चाहिए और नाम कीर्तन से ही जीव का परम कल्याण होगा। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे बोले एतत् विद्यमानानां इच्छताम् अस्तुत भयम् योगिनाम् नृपनिर्मित हरि नामानुकीर्तनम्। बोले भगवान की जो नाम कीर्तन है किसको किसको करनी चाहिए, बोले एतत् विद्यमानानां जो संसार से मुक्त भी हो चुके हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी, जैसे चतुसर, ये सबके सब जीवन मुक्त अवस्था है, लेकिन मुक्त अवस्था में भी बोले कुर्बन अहित की भक्ति, जो भक्ति है ना साधन अवस्था में भी है और मुक्त अवस्था में भी भगवान के नाम करनी चाहिए। ऐसे नहीं जब संसार का दुख कष्ट में तभी भगवान का नाम लेकर मुक्त हो जाओ, फिर प्रभु का नाम भक्ति नहीं। बोले नहीं, यहाँ भी भक्ति और वहां पर भी अच्छी तरह से वहां पर भक्ति भक्ति। गोपियां दिन भर क्या करती हैं, ठाकुर को भक्ति तो करती है ना, ठाकुर को नाम लेती है, ठाकुर को सेवा करती है, ठाकुर जी की पूजा करती है। इसलिए कहते एतत् विद्यमानानां जो संपूर्ण रूप में संसार से मुक्त हो गए, बोले इच्छता अकूत भय, अगर जीवन में कोई अभय बनना चाहते डर नहीं, कोई अगर अभय बनना चाहते हैं बोले जोगी नाम निरपन निर्णित, बोले जितने जोगी जितने साधु भक्त सबके साथ उन्होंने शास्त्र को मंथन करके निकाले, अगर जीवन में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो क्या करो, ठाकुर जी की नाम कीर्तन करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो बोले हरे कृष्ण 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 हरे 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 भगवान ऐसे जो भगवान एक है, भगवान एक है ना, लेकिन कहते जो एक ही भगवान है उनकी तीन प्रतीति है,
कहते उनकी तीन तरह के भक्त हैं, एक ज्ञानी है और एक जोगी है और एक भक्त है। कहते ज्ञानी लोग क्या करते हैं, बोले एक ही भगवान को निर्विशेष निराकार रूप में उनका दर्शन करते हैं। बोले जोगी लोग क्या करते हैं, अपना हृदय में एक अंगुष्ट परिमाण रूप में परमात्मा को ध्यान करते हैं। चीज को अच्छी तरह समझ लो, बहुत अच्छी बात है। और जो भक्त लोग हैं, बोले भगवान कन्हैया को भक्ति करते हैं, राम को भक्ति करते हैं, भगवान नारायण को भक्ति करते हैं। एक ही भक्त है और एक ही भगवान ही उनको तीन तरह का भक्ति, तीन तरह से भक्ति करते हैं। अभी प्रश्न है, बोले भैया ये कि सबके सब बराबर ना, सबके सब अलग है। ये जो ज्ञानी रूप में जो निराकार निर्विशेष को ध्यान करते हैं, जो परमात्मा जो कृष्ण को कोई अलग ना, एक ही है। कहते नहीं, जो जैसे भक्ति करता है भगवान को, भगवान उसको ठीक वैसे ही प्रेम देते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन, ये जथा माम प्रपद्यते तामस तथैव भजामि, मैं मेरे को जो जिस रूप में भक्ति करते हैं मैं भी उसको उसी अनुरूप पुष्प में प्रदान करता हूँ। तब एक उदाहरण देकर के समझाए, बोले एक समय चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक भक्तों की एक सुंदर कथा सुना रहे। बोले एक समय कोई एक बहुत बड़ा ज्योतिष था, उसने देखा एक व्यक्ति दर दर भटक रहा है, खाने के लिए ठिकाना नहीं शरीर में, कपड़े भी फटे फुटे पहने हुए, शरीर एकदम दुबले पतले, दर 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 दुखी होकर भटक रहा है। लेकिन वो व्यक्ति बड़ा ज्योतिष सर्वज्ञ था। बोले इधर आओ बेटा, बोले दर दर क्यों भटक रहे हो? बोले हम तो बड़े दुखी हैं, पिताजी का समय तो हम बड़े सुखी थे, लेकिन हम तो बड़े दुखी, पिता चले जाने के बाद कोई हमारे रहने का और हमें कोई खाने का ठिकाना नहीं। उसने कहा देख बेटा, तेरे जो पिता है ना वो मेरे मित्र है, मेरे को एक गुप्त बात बता कर गए, तुम्हारी जो घर है ना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चार दिशाएं, तुम्हारे घर में एक सोने के कलसी में ये पूर्व दिशा में हीरे जवाहरात को गाड़ कर गए, लेकिन तेरे पिता मेरे को ये बात बता कर गए, तुमको बताया नहीं, मेरे को बताया। लेकिन देख बेटा, तू उत्तर दिशा का मिट्टी नहीं खोदना, अगर उधर खोदोगे ना उधर ततया निकलेगी, फिर दो चार अगर ततया काट के तू खत्म हो जाओगे। दक्षिण दिशा का मिट्टी नहीं खोदना, उधर एक अजगर सांप रहता है, अगर वो सर्प निकलेगा तो तुमको ज्यादा पूरा सीधा निकल जाएगा। और तुम पश्चिम दिशा का भी मिट्टी मत खोदना, वहां पर एक चक्ष रहता है, अगर वो निकलेगा तो तुम जान से खत्म कर देगा। लेकिन खोदना किधर, खोदना तुम्हें पूर्व दिशा का मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी हटाओगे सोने की झारी निकलेगी, एकदम माला माल हो जाओगे। उसने कहा भैया मेरे पिताजी मेरे लिए इतने धन दौलत रख कर गए, हर हम दर दर भटक रहे। वो घर में आया, सचमुच से थोड़ी सी मिट्टी हटाया ना, वो सोने की झारी निकली, झार निकली सोने की, और एक एक को बेचाना अरब खरब रुपया हुआ, पूरा माला के माल हो गया। देखो ये चीज को समझो, कहते भैया ये पूर्व दिशा क्या है, बोले भगवान की प्रेम भगवान की भक्ति है। कहते ज्यादा खोदने का जरूरत नहीं, केवल थोड़ी सी खोदो। मतलब क्या है, भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन मेरी जो भक्ति मार्ग है ना बड़ा सरल मार्ग है, बड़ी सरल मार्ग मेरी भक्ति मार्ग, लेकिन ज्ञान योग कर्म मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है, इसलिए इधर उधर तो भटकना नहीं, मेरी भक्ति मार्ग में चलोगे बस आनंद ही आनंद है, यहाँ भी आनंद उधर भी आनंद है। इसलिए हम कहते हैं ना भैया पार्टी में चलो, बोले क्यों, बोले पार्टी में तीन चीज होती है, एक इटी, एक डांसी और एक सिंगिंग। कहते भैया कभी कभी क्यों पार्टी करते, रोज पार्टी बनाओ ना, ईटिंग खाना है ना, बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, रोज रोज चखाचक खाना, ठाकुर जी को भोग लगा और प्रसाद लगा। नाचना है ना, भगवान के कीर्तन में खूब नाचो, हम नाच नहीं रहे या नाचते ना रोज रोज, नाचना तो करोगे कीर्तन में गा। सिंगिंग गाना है ना, इधर उधर उल्टा पुलटा डिस्को डांस नहीं करके बस ठाकुर का भजन गाओ रोज, हो गया कि नहीं। इसलिए रोज ही नाचो, रोज ही खाओ और रोज ही गाओ। इसलिए भक्ति जगत में जैसे आप कथा सुन रहे हो, कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, आनंद आ रहा है ना, दो बार आ रहा है, बोलो आनंद आता है ना। इसलिए प्रभु की भक्ति मार्ग बड़ा आनंद का मार्ग है,
ये भक्ति मार्ग बड़ा सरल मार्ग है, लेकिन बोले भैया जिधर एक सर्प रहता है, बोले इसका मतलब क्या? बोले ये मुक्ति मार्ग है। बोले खबरदार मुक्ति मार्ग में मत जाना। अगर मुक्ति मार्ग में जाओगे ना, जिसको ब्रह्म साधु जो कहते हैं, उसमें जो मुक्ति चाहते हैं वो अपना सत्ता को वो ब्रह्म ज्योति में लीन कर देना चाहते हैं। उनका जो फिलोसफी है, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, मतलब क्या है? जब तक संसार में जन्म ग्रहण करते रहोगे तब तक दुख मिलेगा, इसलिए क्या करो कि ब्रह्म ज्योति को पास मिल, ज्योति में ही आत्मा को परमात्मा में लीन कर दो, बस लीन कर दो, तो बस खत्म। नहीं, भक्त ये नहीं चाहते, भक्त लीन करना नहीं चाहते, भक्त चाहते हैं भगवान की प्रेम का आस्वादन कर, जैसे मीरा है, जैसे श्री हनुमत लाल है, जैसे श्री गोपियां हैं, जैसे सूरदास है, जैसे हनुमान जी है। ठाकुर जी को साथ में क्या मिल गए? नहीं मिले। ठाकुर का नाम लेते हैं, कीर्तन करते हैं, ठाकुर जी की भक्ति करते हैं, कहते खबरदार ज्ञान मार्ग में नहीं जाना। बोले देखो जोग मार्ग में भी नहीं जाना, वो कहते जैसे जक्ष है, जक्ष जैसे उसको खा जाता है, मार डालता है। अगर जोग मार्ग में जाओगे ना, अगर मुक्ति दशा को प्राप्त करोगे, फिर तो प्रभु की सेवा नहीं रहे है। कहते भैया उत्तर दिशा का मिट्टी मत खोदना। बोले क्यों? बोले उधर तत्या है, मतलब अगर कर्म मार्ग में जाओगे फिर तो जन्म जन्मांतर संसार में भटकते हुए रहोगे, एक जन्म का कर्म लेकर दूसरे जीवन में, दूसरे लेकर तीसरे जीवन में। इसलिए ये कर्म ज्ञान और योग मार्ग में नहीं जाना। जाना तो कौन सा मार्ग में जाओ? प्रभु की प्रेम मार्ग, ठाकुर जी की भक्ति मार्ग में जाओ। खूब ठाकुर जी की भजन करो, भक्ति करो और खूब आनंद में रहो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, बसे वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे जो भगवान है, कहते भगवान की युग युग में अवतरण होते हैं। यहाँ पर भगवान की 26 अवतार की कथा है। कहते भगवान का जो सबसे जो पहला अवतार है, कहते भगवान चतुष्पद रूप में आए, ये ब्रह्मा की मानस पुत्र है। ब्रह्मा जब दुनिया को सृष्टि करना चाहते थे, सनक सनातन सनदन और सनत कुमार, ये चतुष्पद सबसे पहले सृष्टि हुए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो बेटा, भगवान का निर्देश है, ये संसार का क्रम को धीरे धीरे बढ़ाओ। बोले पिताजी हम ये घर गृहस्थ में फंसना नहीं चाहते, बड़ा दुख में है। बोले भगवान का निर्देश है संसार का सृष्टि को बढ़ाओ, सृष्टि का पहले तुम हो, तुम पहले ही मना कर रहे हो संसार में हम प्रवेश नहीं करेंगे। बोले घर गृहस्थ नहीं करोगे? बोले नहीं। बोले अगर तुम घर गृहस्थ नहीं करोगे ना, जैसे 5 साल में जन्म हुए जिंदगी भर बच्चे ही बन कर रहा, इसलिए चतुष्पद को देखो कभी बड़े नहीं होते, एकदम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने नंगे रहते हैं। बोले ये अभिशाप थोड़ी है, तो वरदान है। बोले क्यों? आप देखना घर का बोझ किसको ऊपर है, बड़े को ऊपर ना छोटे को ऊपर? सब बड़े को ऊपर, जितने झन झट्टा जितने सब जंजाल जो बड़े हैं उनको ऊपर, और छोटे लोग मस्ती से खेलते हैं कूदते हैं आनंद लेते हैं, उनको कोई घर गृहस्थी का कोई मतलब नहीं, खाओ पियो खेलो कूदो। बोले बढ़िया बढ़िया। कहते पिताजी ये थोड़ी अभिशाप, तो वरदान मिलेगा। इसलिए ये चतुष्पद का रोज काम है। बोले कृष्ण कथा मात्र जीवन, जैसे कहीं अगर कथा सुनाना हो बात सुनाना शुरू कर देंगे, अगर कोई कथा सुनने वाला नहीं, एक भैया तो व्यास गद्दी पर बैठ जाएंगे, तीनों भैया बैठ जाएंगे सामने, बस कथा सुनाते रहेंगे। इसलिए कभी इनकी परमा नष्ट नहीं होता है। इसलिए भागवत ने बताया बोले आयुर भरति वही पुंसान उद्यान अस्तत जन असो तस्यते जब क्षणमनीता उत्तमा श्लोक वार्तया। कहती ये सूरज नहीं है, काल है, ये हमारे परमायु को धीरे 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 परमायु को ही खत्म कर रहा है, लेकिन ये काल रूपी सूरज सभी का परमायु को नष्ट कर रहा है, लेकिन एक का परमायु के ऊपर भी उसका कोई असर नहीं पड़ता है। बोले किसके? बोले जितने समय प्रभु की भक्ति में लगाते हैं, ठाकुर जी की कथा में,
ठाकुर जी की सेवा पूजा नाम करते ही कर जो काल का जो काल ये भगवान है इसको ऊपर में काल का कोई असर नहीं पड़ना है। जैसे आप लोग कथा सुन रहे हो आपका परमाई बढ़ रही है घट नहीं रही है, हमारी परमाई बढ़ रही है हमारा परमाई नहीं घट रही है। बोले क्यों, हम ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं, ठाकुर जी की कथा सुनते हैं लेकिन ये मन को जो विषय में लगा दे फिर हमारे धीरे 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 परमाई हमारी घटना शुरू हो जाएगा है। इसलिए भगवान की ये पहला अवतार है। बोले दूसरा अवतार, बोले वराह भगवान रूप में आए हैं। बोले ये वराह भगवान इन्हें हिरण्याक्ष को वध दिया। बोले ये हिरण्याक्ष कैसे हुए, बोले देखो शाम का समय में चार काम हमें नहीं करने चाहिए, सावधान रहनी चाहिए। बोले क्या चार काम नहीं करने चाहिए, बोले पहला नंबर शाम का समय अगर पढ़ोगे ना जो पढ़ोगे भूल जाओगे। अब देखना कोई कोई बच्चे होते हैं कहते घर में तो पढ़ाई बढ़िया करता है लेकिन जब पेपर देने के लिए जाता सब भूल जाता है, जब पेपर देने के लिए जाता सब भूल जाता। भैया पढ़ाई का समय को बदलाना पड़ेगा, शाम का समय में पढ़ोगे फिर तो सब कुछ भूल जाओगे। दूसरा काम बोले सोनी नहीं चाहिए, शाम का समय सोने पर कहते लक्ष्मी घर से चली जाती है, घर में लक्ष्मी नहीं दिखेगी। तीसरा काम बोले भोजन नहीं करनी चाहिए, भोजन करने से जो उदर रोग है तुम्हारे पेट का रोग बढ़ेगा, इसलिए शाम का समय में सूर्यास्त से पहले भोजन कर लो नहीं तो रात को भोजन करो लेकिन बीच में भोजन नहीं करनी चाहिए। बोले चौथा काम है स्त्री को साथ में नहीं मिलनी चाहिए। कदि हिरण्यकश्यप क्यों बने, बोले एक समय तिथि एकदम शाम का समय में बड़ी सुंदर उन्होंने लड़चड़ श्रृंगार की और शीशा को सामने खड़ी होकर के जब अपना रूप को उसने दर्शन की उसने कामातुर होकर के श्री कश्यप ऋषि के पास में गए, उनसे मिलने के लिए चाहती है। कश्यप ने कहा देख दीदी ये समय अच्छी समय नहीं क्योंकि शाम का समय में शंकर जी अपना भूत पिशाचों को लेकर के शंकर जी भ्रमण करते हैं, इसलिए नियम है शाम का समय में हमारी संस्कृति क्या कहता है ठाकुर जी का आरती उतारो, ठाकुर जी की कीर्तन करो, ठाकुर जी की भजन करो, फिर जो शंकर जी के जितने भूत पिशाच है फिर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्री कश्यप ऋषि ने मना की दीदी को लेकिन वो इतने काम में आतुर हो गई थी उसने जोर जबरदस्ती पति से मिले। कश्यप ने कहा देखो दीदी तुमने अच्छी काम नहीं, तुम्हारे गर्भ में राक्षस जन्म रखा है, इसलिए आप देखना कभी कभी बच्चे तो बड़े अच्छे होते ही पिताजी के आदेश पालन करते हैं, सवेरे उठ करके पिता माता के चरण छूते हैं, पिता माता की सेवा करते हैं लेकिन देखना कुछ कुछ ऐसे बच्चे जितने उद्धट होते हैं पिता माता की बात नहीं सुनते। बोले क्यों, बोले कारण है कि जो गर्भाधान जो संस्कार 10 तरह का संस्कार बताया, पहला नंबर गर्भाधान, गर्भाधान मतलब जिस दिन माँ की पेट में बच्चे आते हैं अगर वो समय बढ़िया समय वो अमृत योग हो है, उस समय अमृत योग हो, अगर जिस दिन आपको पता चले आज स्त्री गर्भधारण करेगी समय को देख करके जानी चाहिए। ठाकुर जी को प्रणाम करते हुए ठाकुर जी का आरती उतारते हुए ठाकुर को प्रार्थना करके जानी चाहिए ठाकुर जी हमें ऐसे एक संतान दो जो हमारी खानदान का नाम को उजाला करे। फिर देखना आपका जो बच्चा है ना इतने गुणवान इतने आज्ञाकारी इतने अच्छा बनेगा जो सोच नहीं सकते हो, इसलिए ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जन्म हो गई। अभी मैया दीदी तो बड़ी दुखी हो गई, बोले मेरे अपराध को माफ कर दो मैंने गलती की, मेरी अपराध कैसे दूर होगा। बोले देखो तुम्हारे बेटे तो बनेगी राक्षस चूंकि तुमने अपराध माफ मांगी ना, अपराध को तुमने समझ गई लेकिन तुम्हारे जो नाती पोते हुए ना सिर्फ प्रहलाद जन्म लेगी, कृष्ण की भगवान की परम भक्त बनकर के जन्म होंगे, इसलिए श्री हिरण्यकश्यप का बेटा कौन हुआ श्री प्रहलाद हुआ और इतना बड़ा भक्त बना। वो इतना बड़ा भक्त बना हिरण्यकश्यप पूछा तेरे भगवान कहाँ है, उसने बताया बताओ मेरे भगवान है नहीं कहाँ तो बताओ, बोले ये खंभे में क्या है, बोले मेरे को तो दिख रहे हैं ठाकुर जी बैठे होंगे, उन्होंने मुष्टिका घात किया तो खंभा फट गई साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हुए।
बोले श्री नरसिंह भगवान की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। इसलिए भगवान क्या जो दूसरी अवतार भगवान श्री वराह रूप में आए और उन्होंने हिरण्याक्ष को वध करके ये पृथ्वी को उन्होंने उद्धार किया। ठाकुर जी भगवान की जो चौथा अवतार है ठाकुर जी श्री नर नारायण ऋषि रूप में आए। बोले ये क्या कर रहे हैं आप लोग? बद्रिकाश्रम गए हो? कौन कौन बद्रिकाश्रम गए हो? गए हो? वहां पर भगवान नर नारायण ऋषि रूप में ठाकुर जी तपस्या करते हैं। बोले भैया ठाकुर की तपस्या करते हैं, तपस्या तो आपको करनी चाहिए, ये भगवान क्यों तपस्या करते हैं? बोले कारण है, एक दिन श्री नारद जी सारे दुनिया में घूमते, सब दुनिया में घूमे, सबको पास में जाकर के पूछे, सब कुशल मंगल है ना, सबके सब सर हिलाया, लेकिन जब अंदर की बात पूछे देखा दुनिया में कोई भी कुशल मंगल नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिना रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी देखा, सबके सब दुखी देखा। वैकुंठ में गए, देखा वैकुंठ में भगवान अनंत नाग ऊपर शयन किए हुए, माँ लक्ष्मी चरण सेवा कर रही है और भगवान मुस्कुरा रहे हैं और सारे देवता सांताकार भुजग शयनम, बड़े सुंदर ठाकुर जी की स्तुति कर रहे हैं। नारद जी ने कहा प्रभु जी ये सृष्टि को तुमने बनाया? बोले हाँ। बोले तुमने बना दिया सृष्टि को, लोग दुनिया में दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, आप तो वैकुंठ में आनंद ले रहे हो। बोले प्रभु बड़े व्यक्ति जो करेंगे छोटे व्यक्ति उसको ही देख करके सीखते हैं, पिता माता को तो देख कर सीखेंगे ना बच्चे। बोले भैया टेढ़े मेढ़े क्यों बोल रहे हो, सीधा सीधा बताओ ना क्या बताना चाहते हो। बोले प्रभु आप तो अपना लक्ष्मी को लेकर के पड़े हुए हो, लक्ष्मी को कभी छोड़े नहीं, हर समय लक्ष्मी ठाकुर जी के चरण को गोद में लिए हुए और चरण पलट रही है, दुनिया बोलेंगे जब ठाकुर जी अपना लक्ष्मी को लेकर पड़े हुए हम भी अपना लक्ष्मी को लेकर के हम भी पड़े रहे। तो भगवान ने कहा बताओ क्या करनी चाहिए? बोले प्रभु जी जब तक तुम्हारी भक्ति नहीं करते हैं ना जीव तब तक उद्धार नहीं है, लेकिन भक्ति करेंगे कब? आपको देख करके तो सीखेंगे। बोले क्या बताना चाहते? बोले आप भी थोड़ा भक्ति करो, थोड़ा तपस्या करो, आपका तपस्या देख करके जीव भी थोड़ा सीखेगा। बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के लिए, कोई बढ़िया जगह चाहिए, भगवान ढूंढते थे। करते करते जब उन्होंने बद्रिका आश्रम पर पहुंचे, हम लोग गए ना देखे होंगे, बड़े सुंदर अलका नदा बह रही है और कितने सुंदर सीनारी, बड़े सुंदर झरना बह रही है, बड़े सुंदर पहाड़ पर्वत, बड़े मीठी मीठी फैंटी है, गंध मार्दन पर्वत है वहां पर, गंध मार्दन पर्वत। ठाकुर जी को तो बहुत अच्छा लगा, बोले भैया ये तपस्या करने का तो बहुत बढ़िया स्थान है। इतने में भगवान वहां पर तपस्या में बैठे, जब तपस्या में बैठे इतने नारद जी वैकुंठ में आए, बोले प्रभु जी कहाँ हैं? बोले प्रभु तो कहीं गए अभी तक आए ही नहीं। बोले प्रभु तो बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं, जब प्रभु जी तपस्या कर रहे थे बड़ी कड़ी धूप आ रही थी, इतने में मैया लक्ष्मी ढूंढते ढूंढते आए। बोले प्रभु क्या कर रहे हैं? देखा प्रभु तो धूप में बैठे करके तपस्या कर रहे हैं। इतने में माता लक्ष्मी ने एक बेर वृक्ष बनके, उनको बेर वृक्ष बनकर के ऊपर में छाया करने लग गई। नारायण ने देखा अभी तक गर्मी आ रहा था, अभी इतने सुंदर छाया कैसे आ गई और मीठी मीठी हवा कैसे बह रही है। नारायण ने ऊपर देखा है ना, ऊपर देखा तो माँ लक्ष्मी स्वयं बेर वृक्ष बनकर के ऊपर छाया कर रही है, इसलिए उनका नाम पड़ गया बद्री नारायण, बद्री विशाल, कहते ना बद्री नारायण, जैसे सीता राम राधे श्याम बद्री नारायण, बद्री मतलब बेर का वृक्ष, ये लक्ष्मी स्वयं बेर वृक्ष बन करके भगवान को छाया की थी, इसलिए बद्री विशाल। बोले श्री बद्री विशाल की, इसलिए भगवान ने आशीर्वाद दिया। देखा ये कलयुग में जो जीव है वो कठोर भक्ति साधन नहीं कर सकते, कलयुग का जीव इतने कठोर साधन नहीं कर सकते, इसलिए ठाकुर जी आशीर्वाद दिए अगर कोई कष्ट करके आए एक बार मेरे दर्शन कर ले, मैं जो तपस्या कर रहा हूँ ये तपस्या का छठवां भाग का फल मुझे दर्शन मात्र से ही जीव को प्राप्त होगा,
अगर एक बार कोई बद्रीनाथ को दर्शन कर ले, ठाकुर जो तपस्या कर रहे हैं ना, अपनी आप दर्शन मात्र से ही उसका फल हमें अपने आप मिल जाती है। इसलिए ये कहावत है, अगर कोई ये चार धाम कर लेना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, अगर एक बार जीवन में यात्रा करे, वो व्यक्ति फिर जन्म मृत्यु का चक्कर में कभी आता ही नहीं। पहले तो बहुत कठिन था, आप लोगों को पता होगा, जब बड़े बड़े व्यक्ति अंतिम समय में चार धाम करने जाते थे, बोल देते थे भैया हमारी अंतिम संस्कार कर देना, हमारी अंतिम संस्कार करना। बोले क्यों? बोले पता नहीं हम वापस आएंगे नहीं, चल चल करके जाना पड़ता था, ऐसे कोई रोड नहीं था, वो पेड़ को पकड़ करके किसी तरह से ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री दर्शन करते थे। अभी तो 7-8 दिन में ना कार लेकर दी जाओगे, अभी तो वो टूरिस्ट प्लेस हो गया, इतने बढ़िया स्थान हो गया, लोग तो अभी वहाँ पर टूरिस्ट प्लेस बना दिया। क्योंकि गर्मी का समय जाओ, बड़ा सुंदर ठंडी हवा बहती है, झरना बहती है, सुंदर नदी बहती है, वहाँ पर तो आनंद ही आनंद है, ठीक है ना। जो जो नहीं गए एक बार कोशिश करना जाने के लिए, और आप लोग तो हम एक बार ले शाम पूर्णा ब्रह्मा जी कहते हैं ये ब्रजवासी कितने सौभाग्यवान।